हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द फिबिल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज से जो है हम एमपीपीएससी एई एग्जाम के लिए जो है मध्य प्रदेश जीके की स्पेशल क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे मध्य प्रदेश जीके की जो है ये पहली क्लास होने वाली है, और टॉपिक हमारा कौन सा होने वाला है तो मध्य प्रदेश का गठन। ये टॉपिक जो है हम आज की क्लास में जो है पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ 2 से 3 दिन तक ये टॉपिक चलने वाले हैं। काफ़ी विस्तार पूर्वक जो है हम एमपी जीके कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के गठन की बात करें तो हम इसको जो है 3 श्रेणियों में मध्य प्रदेश के गठन को जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि 1947 से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी। फिर जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया 1956 में, तो 1945 से 1956 के बीच जो है मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, और 1956 से लेकर वर्तमान मतलब 2023 तक जो है मध्य प्रदेश में कौन कौन से नए जिलों का निर्माण किया गया, कौन कौन से परिवर्तन किए गए, कौन कौन से संभाग बनाए गए, इन सभी के बारे में जो है हम मध्य प्रदेश के गठन टॉपिक के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और यहाँ पे आपके एग्जाम में भी जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले जो है हम मध्य प्रदेश के गठन वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले जो है हम इसको 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं? 3 पार्ट्स में जो है इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले पार्ट के अंतर्गत जो है हम 1947 से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरे श्रेणी के अंतर्गत जो है 1947 से लेकर 1956 तक का मध्य प्रदेश कैसा था, है ना। फिर 1956 से लेकर 2023 तक का मध्य प्रदेश कैसा रहा, ये जो है मध्य प्रदेश के गठन वाले टॉपिक के अंतर्गत जो है हम 3 श्रेणियों में जो है इसको पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको हेडिंग में डालना है 1947 से पहले मध्य प्रदेश। पहला जो आपको हेडिंग में डालना है वो क्या डालना है, 1947 से पहले पहले मध्य प्रदेश। तो 1947 से पहले हम ये जानेंगे कि मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया आखिर शुरू कहाँ से हुई, और मध्य प्रदेश में जो है ब्रिटिश साम्राज्य की एंट्री कैसे हुई। तो सबसे पहले देखें कि मध्य प्रदेश के गठन की जो प्रक्रिया जो प्रारंभिक तौर पर शुरू हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी। तो वो शुरू हुई थी, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये प्रक्रिया की शुरुआत मध्य प्रदेश के गठन की तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से जो है मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो लड़ा गया था वो 1817 से 1819 के बीच लड़ा गया था। और ये किसके बीच लड़ा गया था, तो ये जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बरफेज मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। अब यहाँ पास जो है मराठा साम्राज्य का जिन जिन क्षेत्रों पर नियंत्रण था इस युद्ध के बाद जो है काफ़ी क्षेत्रों पर जो भी मराठा साम्राज्य के जो भी क्षेत्र थे उन पर नियंत्रण किसका हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य का हो गया था। इसमें जो विजय हुई थी वो कौन हुई थी, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी। और यहीं पास जो है एक मराठा साम्राज्य के पेशवा हुआ करते थे जिनका नाम था अप्पा साहेब भोसले। इन्होंने क्या किया, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए जो है ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्होंने एक फंदी की थी। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है फंदी क्या की थी कि मराठा साम्राज्य के क्षेत्र में जो भी एक 3 महत्वपूर्ण जो क्षेत्र थे मराठा क्षेत्र साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से थे, जो सागर था और जो दमोह था और एक क्षेत्र था मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में वो कौन सा था, निर्बुदा।
नर्मदा क्या था दोस्तों? तो ये वर्तमान में जबलपुर के नर्मदा नदी के तट पर जो आपस में जो क्षेत्र बफे हुए थे उनको ही नर्मदा के नाम से जाना जाता था। तो इन तीन क्षेत्रों पर जो है फंदी की गई अप्पा साहेब भोसले ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और ये जो तीन क्षेत्रों पर मराठा साम्राज्य का नियंत्रण हुआ करता था, इस संधि के द्वारा सबसे पहले तो युद्ध को समाप्त किया गया, फिर इस संधि के द्वारा इन तीन क्षेत्रों पर जो नियंत्रण हो गया वो हो गया किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका हो गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और यहीं से जो है पहली बार जो है इसी संधि के द्वारा जो है पहली बार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ एंट्री करती है? मध्य प्रदेश में एंट्री करती है, और यहीं से मध्य प्रदेश के गठन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। बात करें आगे क्या हुआ, तो ये जो अप्पा साहेब भोसले ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है संधि की, और इन तीन क्षेत्रों को प्रमुख रूप से जो है ये किसके हाथों में दे दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में दे दिया। अब इन तीन क्षेत्रों पर जो राजस्व का अधिकार, राजस्व व प्रशासनिक अधिकार जो हो गया वो किसका हो गया? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। मतलब इन तीन क्षेत्रों पर जो रूल व रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही बनाए जाएंगे। इन तीन क्षेत्रों पर जो भी कर लगाए जाएंगे वो सारी चीज़ें जो निर्धारित की जाएंगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही निर्धारित की जाएंगी। अब हालांकि विजय हुई थी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, कौन हुआ था? ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी। तो धीरे धीरे क्या किया कि जितने भी मराठाओं के जितने भी क्षेत्र उनके नियंत्रण में थे, अब धीरे धीरे जो है उन पर नियंत्रण किसका होने लगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होने लगा। तो इनका और भी ज़्यादा प्रभुत्व बढ़ने लगा और ये जो है अपने क्षेत्रों का विस्तार करने लगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक जो है इनका नियंत्रण किन पर था? तीन क्षेत्रों पर था। फिर गवर्नर जनरल के रूप में बनकर आता है कौन? लॉर्ड डलहौजी। कौन गवर्नर जनरल बन के आता है? लॉर्ड डलहौजी। कब आता है गवर्नर जनरल बन के? 1853 में। हालांकि ये गवर्नर जनरल जो रहता है 1848 से लेकर 1856 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है गवर्नर जनरल रहता है। तो 1853 आपको याद रखना है कि 1853 में क्या हुआ। सबसे पहले जो है लॉर्ड डलहौजी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि ऐसे राज्य या कह सकते हैं ऐसे साम्राज्य जिनके राजा जो हैं निसंतान हों, क्या ऐसे साम्राज्य जिनके राजा निसंतान हों, मतलब जिन राजाओं का कोई भी वारिस ना हो, जिन राजाओं का कोई भी उत्तराधिकार ना हो, उन राजाओं की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य को हड़प कर जो है इनके साम्राज्य को किस में शामिल करना? ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करना। मतलब कि इन्होंने कौन सी जो है नीति अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो है क्या किया कि एक जो है राजा हुआ करते थे, कौन? राधोजी तृतीय की जो है क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद जो है इनके साम्राज्य का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता है राधोजी तृतीय के। तो 1853 में क्या हुआ कि लॉर्ड डलहौजी ने इनका क्या साम्राज्य क्या था? तो नागपुर वाला साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था? नागपुर वाला साम्राज्य था। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, इसे ही हड़प नीति के नाम से जाना जाता है, हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंतर्गत जो है इस नागपुर वाले साम्राज्य को भी किसमें शामिल किया कर लिया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में जो है शामिल कर लिया गया। किसमें शामिल किया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में जो है शामिल कर लिया गया। पहले से जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हुए थे? सागर, दमोह और नर्मदा को शामिल किया गया था। ये मराठाओं का जहां पर नियंत्रण हुआ करता था यहां पे जो है अब इन तीन क्षेत्रों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। फिर 1853 में जो है राधोजी तृतीय की जो है मृत्यु हो जाती है, उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता है। तो वहां पे जो है लॉर्ड डलहौजी क्या करता है कि इनके साम्राज्य को पूरा हड़प लेता है। ये नागपुर वाला साम्राज्य था और इसको ब्रिटिश एम्पायर के अधीन कर लेता है नागपुर को। फिर लॉर्ड डलहौजी क्या करता है कि अब जो ये चार क्षेत्र हैं, ये चार क्षेत्र इसमें जो है नागपुर भी ऐड हो गया। तो ये चार क्षेत्रों पर मुख्य रूप से नियंत्रण किसका हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का।
मराठाओं का कोई भी नियंत्रण नहीं रहा इन चार क्षेत्रों में। इसके बाद क्या हुआ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो चार क्षेत्र थे इनको क्या किया गया कि ये जो चार क्षेत्र थे फागर, दमोह, नर्मदा और नागपुर, इन चार क्षेत्रों को जो है प्रारंभिक तौर पर कहां रख दिया गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी प्रांत। इनका जो प्रशासन चलने लगा वो किस प्रोविंस के अधीन जो है इनका प्रशासन होने लगा, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के अंतर्गत जो है इनका प्रशासन जो है प्रशासनिक नियंत्रण इन पर किया गया। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे प्रारंभिक तौर पर जो है मध्य प्रदेश को कहां रखा गया था, तो सबसे प्रारंभिक तौर पर मध्य प्रदेश को जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में रखा गया था, जिसका हेडक्वार्टर क्या था, तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो था आगरा। ये चारों क्षेत्रों को जो है कहां रख दिया गया था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में रख दिया गया था। अब जो है 1857 तक इनका जो नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण इन चारों क्षेत्रों पर होता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है। इन पर प्रशासन जो है 1856 तक चलता है। 1857 आता है, 1857 में क्या हुआ, 1857 में जो हुआ वो हुआ 1857 की क्रांति, 1857 की जो है क्रांति प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ईस्ट इंडिया का कंपनी का शासन जैसे ही समाप्त हुआ तो 1857 की क्रांति से जो है ये चार क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, सागर, नर्मदा, नागपुर और दमोह। तो 1857 की क्रांति के बाद ये चार क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और 1857 की क्रांति के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन समाप्त हो जाता है भारत में। इसके बाद जो है भारत में किसका शासन आता है, तो ब्रिटिश क्राउन, कह सकते हैं महारानी क्राउन का शासन आता है भारत में, जो है महारानी क्राउन का शासन आता है। और इस शासन के आने के बाद जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को जो है क्या कहा जाने लगता है, गवर्नर जनरल को जो है वायसराय जो है कहा जाने लगा, क्या कहा जाने लगा, वायसराय जो है कहा जाने लगा। तो ये थी 1857 की बात। फिर आता है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, क्या आता है 1861 का जो है भारतीय परिषद अधिनियम आता है। इस अधिनियम में क्या हुआ, तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आता है और इसी एक्ट के माध्यम से जो है 2 नवंबर 1861, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 2 नवंबर 1861 को 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत जो है इन चार क्षेत्रों को मिलाकर, कौन कौन से, सागर, दमोह, नर्मदा और नागपुर को मिलाकर जो है एक नए प्रांत का, जिसका नाम पड़ा सेंट्रल प्रोविंस, केंद्रीय प्रांत का गठन कर दिया गया। काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि सेंट्रल प्रोविंस या केंद्रीय प्रांत का गठन कब किया गया था, तो 1861 में किया गया। इसी केंद्रीय प्रांत को जो है, जो भारत का स्वतंत्रता के बाद जो है इसे मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और इसी को पार्ट ए के अंतर्गत रखा भी गया था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि 2 नवंबर 1861 को जो है सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया और सेंट्रल प्रोविंस का गठन किन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था, तो सागर, दमोह, नर्मदा और जो है नागपुर को मिलाकर किया गया था 1861 में। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था सेंट्रल प्रोविंस का, वो हेडक्वार्टर किसको बनाया गया था, ये नागपुर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, नागपुर को जो है इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया था। फिर जो है क्या आता है, 1864 आता है,
क्या था 1854 में क्या हुआ कि जो निवाड़ वाला एरिया था, क्या था, निवाड़ वाला क्षेत्र था, निवाड़ वाले क्षेत्र को भी जो है किसके अधीन कर दिया गया, तो सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत जो है इसका जो है प्रशासन चलने लगा, सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत, किसके अंतर्गत चलने लगा, जो निवाड़ वाला क्षेत्र है इसका जो है प्रशासन भी सेंट्रल प्रोविंस के अधीन कर दिया गया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निवाड़ क्षेत्र को जो है सेंट्रल प्रोविंस के अधीन कब किया गया था, तो 1864 में किया गया था। अब इन क्षेत्रों पर बात करें कि जो सेंट्रल प्रोविंस जो चार क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था और निवाड़ क्षेत्र दोनों में संयुक्त रूप से प्रशासन जो है किसका चलने लगा, तो ये प्रशासन चलने लगा ब्रिटिश का, किसका चलने लगा, ब्रिटिश का चलने लगा। यहां पर भारत के किसी भी साम्राज्य का कोई भी नियंत्रण नहीं है, इतना फर्क में आया, ठीक है ना। तो इतनी चीजें जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 1864 से जो है 1905 तक जो है इनका शासन इसी रूप से चलने लगा। फिर क्या हुआ 1905 में, इसको मिटा देता हूं, यहां पर लिख देता हूं 1905 में क्या हुआ, इसको मिटा ही देता हूं, ठीक ना, होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो 1905 में जो है, 1905 के दौरान जो है, अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा था, वायसराय। तो वायसराय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड कर्जन, कौन थे, लॉर्ड कर्जन, जिनका जो मुख्य उद्देश्य था फूट डालो शासन करो, ठीक है ना। तो लॉर्ड कर्जन थे इस समय। तो सबसे पहले यहाँ पास एक बरार क्षेत्र हुआ करता था, मैं सबसे पहले यहाँ पास एक मैप बना देता हूँ मध्य प्रदेश का, मैप कैसे हुआ करता था ये जो है मैं मैप बना देता हूँ, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का जो है मैं सबसे पहले जो है मैप बना देता हूँ। तो यहाँ पास जो है, कुछ इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश का मैप हुआ करता था, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहां पास जो था ये वाला हमारा जो था, ये वाला हिस्सा कह सकते हैं, ये यहां तक का जो हिस्सा था वो किसका था, तो ये सीपी कहलाता था। ये क्या कहलाता था, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता था, सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था। ये वाला जो था एरिया वो किसका था, तो बुंदेलखंड वाला जो है, ये कह सकते हैं बघेलखंड का एरिया था, कौन सा था, बघेलखंड का एरिया था। यहां पास छत्तीसगढ़ भी शामिल था, छत्तीसगढ़ भी शामिल था। और इसका जो सेंट्रल प्रोविंस का हेडक्वार्टर हुआ करता था, ये क्या हुआ करता था, नागपुर, नागपुर यहीं पास था। तो कह सकते हैं वर्तमान में जो है महाराष्ट्र राज्य भी सम्मिलित था। यदि तीन क्षेत्र दिए हैं और एक अलग क्षेत्र दे दिया जाता है तो वो जो है आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीन क्षेत्र बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और नागपुर कह सकते हैं महाराष्ट्र भी जो है इस सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत शामिल था। अब क्या हुआ 1905 में कि यहां पास जो था ये वाला जो एरिया था वो किसका था, हैदराबाद रियासत का था। क्या था, यहां पास जो है ये मध्य प्रदेश के जो है यहां से जुड़ा हुआ था और यहां पास जो एरिया था ये किसका था, हैदराबाद, हैदराबाद रियासत हुआ करती थी। और हैदराबाद रियासत की ही जो एक जो क्षेत्र हुआ करता था वो हुआ करता था बरार वाला क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र था वो क्या था, बरार वाला एरिया था, कह सकते हैं जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ था और ये सेंट्रल प्रोविंस के करीब था, ठीक ना। तो ये वाला जो क्षेत्र था इसका नाम दे देते हैं बरार, बरार वाला एरिया था। तो हैदराबाद के निजाम उस समय कौन हुआ करते थे, तो हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे उस समय, निजाम कौन थे, तो महबूब अली खां, अली खां, या इनका दूसरा नाम था आफब जहां, आफब जहां फिक्स इनका अदर नेम था। तो उस समय जो हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, महबूब अली खां या कह सकते हैं आफब जहां फिक्स। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि देखो हैदराबाद रियासत तो यहां थी और ये बरार वाला क्षेत्र यहां था, लेकिन जो बरार वाला एरिया था वो हैदराबाद की रियासत की जो प्रशासनिक पहुंच पे था वो बहुत दूर था। कौन सा एरिया, बरार वाला एरिया। तो हैदराबाद के निजाम की प्रशासनिक पहुंच पे काफी दूर होने के कारण ये बरार वाले एरिया को जो है ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया गया। क्या फ्री में दे दिया गया, नहीं फ्री में नहीं दिया गया। इस एरिया को जो है, बरार वाले एरिया को जो है, हैदराबाद के निजाम महबूब अली खां या आफब जहां के द्वारा जो है ब्रिटिश शासन को जो है 25 लाख सालाना रेंट पर दे दिया गया।
ठीक है ना। निजाम ने कहा भाई साहब, ब्रिटिशरों से कहा कि भाई साहब ये जो एरिया है बरार वाला, ये हमारी प्रशासनिक पहुंच से दूर है, यहाँ पर हम अपने नियम रेगुलेशन या रूल्स जो है अच्छे से लागू नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा करो कि ये वाला एरिया जो है आपके आसपास ही है, सेंट्रल प्रोविंस के आसपास ही है, तो ये वाला आप एरिया हमसे रेंट में ले लो। ब्रिटिशर ने कहा कि ठीक है भाई, बोला हमको जो है फलाना जो चाहिए इसका रेंट आप कुछ भी करो, इसमें कितना भी जो है प्रोडक्शन करो, जो कुछ भी करो, हमसे कोई मतलब नहीं, हमको फलाना जो इफ का जो रेंट चाहिए वो कितना चाहिए, 25 लाख फलाना चाहिए। जो ब्रिटिश साम्राज्य के लोग थे तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम आपको देंगे 25 लाख। ये किसके साथ समझौता हुआ? ये हुआ हैदराबाद के निजाम महबूब अली खां के द्वारा के साथ, ठीक ना। तो इसी समय जो वायसराय हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, वायसराय ये हुआ करता था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905 याद होगा आपको, लॉर्ड कर्जन है ना, इसका एक सिद्धांत था फूट डालो और शासन करो। लॉर्ड कर्जन ने जो है क्या किया कि 17 सितंबर ये 1902 डेट थी दोस्तों, 1902 डेट थी, तो 17 सितंबर 1903 आ गया। 17 सितंबर 1903 को जो है लॉर्ड कर्जन ने जो है इस पूरे बरार वाले क्षेत्र को जो है एक ब्रिटिश क्षेत्र घोषित कर दिया, लॉर्ड कर्जन ने कह दिया भाई साहब हम किसी निजाम की जमीन नहीं जानते हैं, ना हम इसका रेंट देंगे, अब तो ये जमीन ब्रिटिश साम्राज्य की हो गई, अब जो है इसका कोई भी रेंट पे नहीं किया जाएगा, तो ये बरार वाला एरिया भी अब किसके अधीन आ गया, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। और 1 अक्टूबर 1903 को जो है इस बरार वाले एरिया को, बरार वाले क्षेत्र को जो है सेंट्रल प्रोविंस के अधीन कर दिया गया। तो आपको याद रखना है कि 1902 में हैदराबाद के निजाम महबूब अली खां ने कहा ब्रिटिशरों से कि भाई साहब ये हमारे क्षेत्र जो है 25 लाख रुपए हमें फलाना दे दो और ये रेंट पर ले लो। फिर 17 सितंबर 1903 को लॉर्ड कर्जन आया जिसका सिद्धांत हुआ करता था फूट डालो राज करो, इन्होंने ये घोषणा कर दी कि भाई साहब ये जो बरार वाला एरिया है इसमें हम कोई रेंट नहीं देंगे, अब ये हमारा हो गया, ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया, अब ये ब्रिटिश साम्राज्य है ये वाला क्षेत्र। और इन्होंने ये घोषणा भी कर दी 17 सितंबर 1903 को लॉर्ड कर्जन ने, और प्रमुख रूप से 1 अक्टूबर 1903 को इस बरार वाले क्षेत्र को किसके अधीन कर दिया गया, तो ये सेंट्रल प्रोविंस के अधीन कर दिया लॉर्ड कर्जन ने। अब जो है इस बरार वाले क्षेत्र का और सेंट्रल प्रोविंस का जो प्रशासनिक नियंत्रण हो गया वो किसका हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य का हो गया। किसका हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य का हो गया। इन दोनों पर नियंत्रण, जो भी प्रशासनिक नियंत्रण सेंट्रल प्रोविंस में करता था फांथ फांथ, वो जो है बरार वाले क्षेत्र का भी नियंत्रण करता था, ठीक ना। अब आगे क्या हुआ, तो इस तरह से जो है कब तक, तो आपको याद रखना है इस तरह से 1935 तक, इसको होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, इस तरह से जो है 1935 तक जो है यहां पास जो है इसका नियंत्रण ब्रिटिश शासन के अधीन होता है बरार वाले क्षेत्र का और सेंट्रल प्रोविंस का। फिर आता है 1936 में क्या होता है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है 24 अक्टूबर 1936 को जो है ये सेंट्रल प्रोविंस जो कि किसके अधीन था, ब्रिटिशर के अधीन था, और ये बरार वाले क्षेत्र का क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया और दोनों का जो है गठन कर दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र का गठन कब किया गया था, तो ये 24 अक्टूबर 1936 को। लेकिन आप बोलोगे कि सर आपने बताया 1 अक्टूबर 1903 को भी तो इसके अधीन किया गया था, तो वो अधीन किया गया था है ना,
ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था, जो प्रशासन जो भी प्रशासन नियंत्रण सेंट्रल प्रोविंस में किया जाएगा वही इसमें किया जाएगा बरार वाली क्षेत्र। लेकिन जो है इसको पूर्ण रूप से जो मर्ज किया गया, जो प्रशासनिक तौर पर या कि औपचारिक तौर पर जो है इसको मान्यता प्रदान की गई, वो 24 अक्टूबर 1936 को जो है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का जो है गठन किया गया। और अब जो है सेंट्रल प्रोविंस को किस नाम से जाना जाने लगा, तो इस सेंट्रल प्रोविंस को जो है अब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाने लगा। और इसका हेडक्वार्टर जो है किसे बनाया गया, यह कह सकते हैं कि इसकी कैपिटल किसको बनाई गई, तो इसकी कैपिटल जो है नागपुर को बनाई गई। किसको बनाई गई, तो इसकी कैपिटल जो है नागपुर को बनाई गई, किसके, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की कैपिटल। ठीक है ना। अब बात करें कि ये वाला जो क्षेत्र था वो किसका हुआ करता था, तो ये वाला जो क्षेत्र हुआ करता था वो हुआ करता था पार्ट बी का हिस्सा था, और इसे हम क्या कहते थे, इसे हम जानते हैं मध्य भारत के नाम से, मध्य भारत के नाम से। यहां आपकी इंदौर रियासत हुआ करती थी, इंदौर रियासत जहां होलकरों का शासन चलता था, और यहां आपकी हुआ करती थी ग्वालियर रियासत। ये जो है मेजर रियासत थी किसके, ये जो है मेजर रियासत थी मध्य भारत के। यहां जो शासन चलता था वो सिंधियाओं का चलता था। यहां आपका जो था बिंद प्रदेश था, बिंद प्रदेश जो कि पार्ट बी का ही हिस्सा हुआ करता था, और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, रीवा। और ये वाला जो पार्ट था वो पार्ट सी के अंतर्गत आता रखा गया था, कौन सा, भोपाल, पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया था। ठीक ना, इस प्रकार से जो है इस मैप में मैंने बताया है। ठीक ना, तो अब आगे क्या हुआ, तो 24 अक्टूबर 1936 को जो है सेंट्रल प्रोविंस को बरार के साथ मर्ज कर दिया गया। और अब जो है सेंट्रल प्रोविंस को जो है किस नाम से जाना जाने लगा, तो सेंट्रल प्रोविंस को जो है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाने लगा। क्वेश्चन यहां से दो तरीके से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, कि यहां पास क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस का जो है का गठन कब किया गया था, तो ये आपको याद रखना है 2 नवंबर 1861 को। और यदि आपसे ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन कब किया गया था, तो आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1936 को। ठीक है ना, तो ये दो क्वेश्चन काफी बार जो है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, अब आगे क्या करना है आपको, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पास जो है ये वाला एरिया जो है वो सीपी एंड बरार के नाम से अब जाना जाने लगा। किस नाम से, सीपी एंड बरार के नाम से। ठीक ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, तो इसका गठन जो है 24 अक्टूबर 1936 को। इसी प्रोविंस को फिर बाद में जो है किस नाम से जाना गया, तो पार्ट ए और मध्य प्रदेश नाम से जो है इसी प्रोविंस को जाना गया। किस नाम से, मध्य प्रदेश के नाम से जाना गया। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे, तो आपको याद रखना है इसमें जो क्षेत्र सम्मिलित था वो था छत्तीसगढ़, और वर्तमान का जो है महाराष्ट्र का नागपुर जो है इसी में सम्मिलित था, और बघेलखंड, कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था, बघेलखंड, और अपना तो मध्य प्रदेश है ही है। ठीक ना, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें जो है ये क्षेत्र सम्मिलित है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से जो है याद रखना है। ठीक है ना, ये सारी चीजें। और तो मैंने बता ही दिया कि इसका जो है सेंट्रल प्रोविंस का गठन 1861 में, और बरार का जो है गठन सेंट्रल प्रोविंस के साथ 1936 में किया गया। तो इसी प्रकार से जो है इनका शासन जो है 1947 तक चलता रहा। इनके गठन करने के गठन होने के बाद जो है इनका प्रशासन जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो है कब तक चलता रहा, 1945 तक चलता रहा। तो ये तो थी स्थिति कब की, 1945 से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति थी, 1945 से पहले जो है मध्य प्रदेश की स्थिति थी। अब देख लेते हैं कि 1945 से 1956 के बीच जो है मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। तो 1945 से लेकर, अब दूसरा पॉइंट आपको डालना है, दूसरा पॉइंट 1945 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश, ये दूसरा फ्रेडी आ गया हमारा, है ना, दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के अंतर्गत जो है आपको पता है कि 1945 में जो है
1945 में जो है हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र हुआ। और 1945 में जो है भारत को दो देशों में अलग किया गया, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया 1945 में। अब जो भारत का पार्ट था उसको जो है दो राजनीतिक राजनीतिक इकाइयां थी भारत में, जो है दो राजनीतिक इकाइयां थी। कौन कौन सी राजनीतिक इकाइयां थी? एक तो थे भारत में ब्रिटिश प्रांत। क्या थे? भारत में ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांत कौन थे? जहां शासन जो चलता था, जहां का जो प्रमुख होता था वो गवर्नर या कह सकते हैं वायसराय होता था। तो जो भी क्षेत्र ब्रिटिशर के अधीन थे उन्हें ब्रिटिश प्रांत के नाम से जाना गया। और एक थी देफी रियासत। देफी रियासत, देफी रियासत वो रियासत थी, वे क्षेत्र थे जहां पर जो राजा था राज्य प्रमुख हुआ करता था। हालांकि इनका संबंध जो था वो ब्रिटिश से था, लेकिन यहां का जो प्रमुख हुआ करता था वो कौन था? राजा, और राजा का शासन ही चलता था, है ना। जबकि ब्रिटिश प्रांत का जो प्रमुख हुआ करता था वो ब्रिटिशर ही हुआ करते थे, वायसराय कहते थे जिनको, ठीक है ना। तो ब्रिटिश प्रांत तो जो है वो आसानी से जो है भारत के अधीन हो गए या भारत में शामिल हो गए, ठीक है ना। बात करें देफी रियासत की, तो देफी रियासत जो भारत की भौगोलिक सीमा में, जो टोटल देफी रियासत है, मैं क्या बोल रहा हूँ, भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो देफी रियासत थे वो कितने थे? 552 थे। इन 552 देफी रियासतों को यह कहा गया कि भाई साहब तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है? तो तीन ऑप्शन इनके पास ये थे कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इनके पास ऑप्शन थे कि आप लोग जो है या तो भारत में मिल जाओ, या तो जो है भारत में शामिल हो जाओ। दूसरा ऑप्शन था कि या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ। और तीसरा इनके पास ऑप्शन था कि या तो आप जो है स्वतंत्र रह सकते हो, रहो, है ना। ये तीन था, 552 रियासतों के पास तीन ऑप्शन दिए गए थे, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, और या आप स्वतंत्र रहो। तो इनमें से 552 जो भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत देफी रियासत थे, इनमें से 549 जो रियासत थी वो किस में शामिल हो गई? भारत में शामिल हो गई। किस में शामिल हो गई? भारत में शामिल हो गई। तीन जो मेजर रियासत थी कौन कौन सी थी? तीन जो मेजर रियासत थे वो कौन कौन सी थी? तो पहला जो था वो था हैदराबाद, हैदराबाद। दूसरा था जूनागढ़, और तीसरा था काश्मीर। ये भौगोलिक, जो भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ये जो तीन रियासत थी, इन्होंने क्या कर दिया कि भाई साहब हम भारत में नहीं जाना चाहते, हम क्या रहना चाहते हैं? स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इन्होंने जो है यह फैसला लिया, जबकि 549 जो देफी रियासत थी वो भारत में शामिल हो गई। फिर बाद में इन तीन रियासतों को भी शामिल कर लिया गया भारत में, लेकिन कैसे किया गया? तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हैदराबाद पुलिस कार्यवाही के द्वारा जो है किस रियासत को जो है भारत में शामिल किया गया था? तो हैदराबाद को, हैदराबाद को जो है पुलिस कार्यवाही के द्वारा, कार्यवाही के द्वारा जो है भारत में शामिल किया। जूनागढ़ की बात करें तो जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया। जबकि काश्मीर को जो है विलय पत्र के माध्यम से जो है भारत में शामिल किया गया। तो इन तीन जो है रियासतों को भी बाद में भारत में शामिल कर लिया गया। तो अब जो है भारत में जो है ये सारे 552 जो है देफी रियासत शामिल हो गए। अब क्या हुआ कि जब देफी रियासत शामिल हो गए, तो अब जो है भारत का संविधान का निर्माण किया गया। भारत के संविधान का निर्माण किया गया तो 1950 में जो है भारत संविधान, भारत के संविधान ने जो है, संविधान में जो है भारत में अस्थायी प्रशासन के लिए और भारत में जो है प्रशासनिक जो है नियंत्रण के लिए अच्छे से जो है कार्यों का कार्यान्वित करने के लिए जो है भारतीय संविधान ने जो है इन जो है क्षेत्रों को चार, ये कह सकते हैं कि जो भी भारतीय राज्य थे उनको चार पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? चार क्षेत्रों में जो है इनका विभाजन किया गया, इन भारतीय राज्यों का, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इन भारतीय राज्यों को जो है चार पार्ट में रखा गया। बात करते हैं पार्ट ए क्या था। तो पार्ट ए, मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही बात कर रहा हूं, ठीक है ना दोस्तों। तो पार्ट ए 1950 में जो है
पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी। हालांकि मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र को पार्ट डी में नहीं रखा गया था, तो इन जो है भारत में अस्थायी प्रशासन के लिए जो है भारतीय राज्यों को जो है चार क्षेत्रों में बांटा गया। और कौन कौन से थे? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए के अंतर्गत उन क्षेत्रों को रखा गया, लिख लो कि इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को रखा गया जिन पर शासन ब्रिटिश साम्राज्य का था। यह कह सकते हैं कि ऐसे प्रांतों को पार्ट ए के अंतर्गत रखा गया जहां का जो प्रमुख, जहां का शासन जो है वायसराय या गवर्नर के द्वारा चलाया जाता था, ऐसे क्षेत्रों को जो है पार्ट ए के अंतर्गत रखा गया था। जैसे आपका सेंट्रल प्रोविंस था, सेंट्रल प्रोविंस का जो है शासन किसके द्वारा चलाया जा रहा था? यह ब्रिटिशर के द्वारा तो चलाया जा रहा ना, यह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। तो इसको किस पार्ट के अंतर्गत रखा गया था? तो यह पार्ट ए के अंतर्गत रखा गया था। हालांकि सेंट्रल जो प्रोविंस था और बरार को पार्ट ए में मध्य प्रदेश के रूप में रखा गया था, ठीक है ना। और पार्ट बी में जो है बड़ी रियासतों को रखा गया था, ऐसे क्षेत्रों को जो कि बड़ी रियासत थी जहां का प्रमुख जो होता था वो कौन था? राज्य प्रमुख हुआ करता था और उप प्रमुख हुआ करता था। तो जिन क्षेत्रों में राज्य प्रमुख हुआ करता था और उप प्रमुख हुआ करता था, तो ऐसे क्षेत्रों को जो है पार्ट बी में रखा गया। किस में रखा गया? पार्ट बी में। और इसके अंतर्गत बड़ी रियासतों को रखा गया था पार्ट बी के अंतर्गत। वही बात करें पार्ट सी, पार्ट सी के अंतर्गत जिनका शासन जो है कह सकते हैं चीफ कमिश्नर आयुक्तों के द्वारा जो है जिनका शासन चलाया जाता था, और इसके अंतर्गत जो है छोटी रियासतों को जो है सम्मिलित किया गया था। तो इनका जो शासन चलाया जाता था वो चीफ कमिश्नर के द्वारा चलाया जाता था। किसके द्वारा? चीफ कमिश्नर आयुक्तों के द्वारा जो है पार्ट सी में रखे गए रियासतों का जो है शासन चलाया जाता था, जबकि पार्ट बी में बड़ी रियासतों को रखा गया था जिसका शासन राज्य प्रमुख या उप प्रमुख के द्वारा चलाया जाता था, जिसका गवर्नर के द्वारा शासन चलाया जाता था। और पार्ट डी में जो है अंडमान एंड निकोबार को रखा गया था, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो पार्ट ए की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो पार्ट ए, तो मध्य प्रदेश के मैप में देखें तो पार्ट ए को किस नाम से जाना जाता था? तो ये पार्ट ए ही है आपका, पूरा जो एरिया है ये वाला जो एरिया है ये कौन सा था? तो आपका पार्ट ए था। मैं इसको और मिटा देता हूं, ठीक है ना। ये वाला जो एरिया है आपका ये किस नाम से जाना जाता था? पार्ट ए के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है सबसे पहले, अब यहां से जो है आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको हेडिंग में डालना है पार्ट ए, पार्ट ए। ये 1945 से 1956 के बीच ही अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो 1945 से 1956 के बीच आपको याद रखना है पार्ट ए, पार्ट ए। पार्ट ए के अंतर्गत आपको रखना है कि इसको किस नाम से जाना गया। तो ये पहले जो है, पहले आपको याद रखना है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, बरार था। फिर क्या हुआ कि 15 देसी रियासतों को मिलाकर पुराने सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का नाम मध्य प्रदेश कर दिया गया। अब देखो यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश को पहले जो है पार्ट ए के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। या ऑप्शन पे आपके ये भी दे सकता है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, तो मध्य प्रदेश को पहले जो है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। और यदि पूछा जाए किस पार्ट में रखा गया था, तो पार्ट ए में। और पार्ट ए के नाम से भी जाना गया था किसको? मध्य प्रदेश को। ये आपको याद रखना है अच्छे से। और मध्य प्रदेश को जो है कितने देसी रियासतों को मिलाकर जो है
मध्य प्रदेश जो है इफ का नाम कर दिया गया था, तो 15 देफी रियासतों को, कितने देफी रियासतों को, 15 देफी रियासतों को मिलाकर जो है पुराने सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, मध्य प्रदेश कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था दोस्तों, मध्य प्रदेश कर दिया गया था। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जबकि आपको याद होना चाहिए कि ये जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का जो गठन किया गया था ये 24 अक्टूबर 1936 को किया गया था, ठीक ना, कब किया गया था, 24 अक्टूबर 1936 को किया गया था। तो अब जो है पार्ट ए के को जो है किस नाम से जाना जाने लगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक ना, ये 1945 के बाद की बात है, ठीक ना। अब आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के जो पहले कह सकते हैं राज्यपाल थे वो कौन थे, मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे वो किसे बनाया गया, तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल के रूप में जो है ई राघवेंद्र को बनाया गया। किसे बनाया गया, ई राघवेंद्र, राघवेंद्र को मध्य प्रदेश का जो है पहला राज्यपाल बनाया गया, ठीक ना। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने, तो मध्य प्रदेश के जो है पहले मुख्यमंत्री कौन बने, तो ये आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर शुक्ल, शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल जो है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया था या मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था कितने रियासतों को मिलाकर, 15 देफी रियासतों को मिलाकर। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल ई राघवेंद्र थे और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, ठीक ना। अगला आपको याद रखना है कि यहां जो है मध्य प्रदेश में जो है विधानमंडल का भी गठन किया गया, किसका गठन किया गया, विधानमंडल का भी गठन किया गया। और यहाँ के विधानमंडल में जो पार्ट ए मध्य प्रदेश की विधानमंडल थी ये कितने सदस्य थी, तो आपको याद रखना है 232 सदस्य जो है विधानमंडल का गठन किया गया था। कितने सदस्य, 232 सदस्य जो है विधानमंडल का गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मध्य प्रदेश में पहली बार कितने सदस्य विधानमंडल का गठन किया गया था, 232 सदस्य विधानमंडल का गठन किया। लेकिन मध्य प्रदेश की विधानमंडल में पहली बार कितने सीटें थी, तो ये 184 सीटें थी। कितनी सीटें थी, 184 सीटें थी। अब बोलोगे सर 232 सदस्य 184 सीटें ये क्या है, तो यहां पास जो 232 सदस्य थी ना दोस्तों, तो यहां पास 184 जो सीटों में से 136 सीट थी, 136 सीट थी वो इस प्रकार से थी कि ये एक सदस्य जो है निर्वाचन क्षेत्र से चुनी जानी थी। मतलब कि 136 सीट ऐसी थी जहां से जो है एक सदस्य को चुना जाना था, मतलब एक सदस्य को लेना था। मान लो 136 निर्वाचन क्षेत्र है और 136 सदस्य हैं, तो यहां पे जो सदस्य चुने जाएंगे 136 ही चुने जाएंगे, ठीक ना, ये हुआ। और बाकी जो 48 सीटें थी वो 48 सीटें कैसी थी, तो 48 जो सीटें थी दोस्तों वो क्या थी, द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र थे। द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की बात करें कि एक सीट से दो लोगों को चुना जाना था, कितने लोगों को सिलेक्ट होना था, एक सीट से दो लोगों को, जबकि 136 सीटों में से 136 सदस्य को जो है लेना था। और जबकि 48 सीटें ऐसी थी जो कि डबल जो है मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर आधारित थी, और ये जो 136 सीट थी सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर आधारित थी। तो 48 सीटों से जो है कितने लोग, मतलब कितने सदस्यों का चुनाव हो गया, 96, मतलब एक सीट से दो सदस्य का। तो आप जोड़ोगे तो 136 और 96 कितना हो जाएगा, तो 136 और 96 जो हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा, तो 9 और 3 12 और 1 13, और यहां पास जो हो जाएगा 232। तो 232 सदस्य हुई है, 232, और यहां पास फीट कितनी हुई है, 48 फीट, जिनमें से एक फीट में से दो सदस्य को चुना जाना था और 136 फीट। तो 136 प्लस 48 करोगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, और 4 3 7 और 1 8 और यहाँ पास 1, तो 184 फीट। तो 184 फीट मध्य प्रदेश में पहली बार थी। तो मध्य प्रदेश के विधानमंडल में पहली बार कितनी फीटें थे, तो 184 फीटें। लेकिन कितने सदस्य फीट थी, तो आपको याद रखना 232 सदस्य थी, जिनमें से 48 फीटों में जो है एक फीट के लिए दो सदस्य का चुनाव हुआ, है ना, दो सदस्य लिए गए, और 136 फीटों में जो है 136 सदस्य को ही शामिल किया गया, ठीक ना, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला आपको याद रखना है कि लोकसभा की फीटें कितनी थी, लोकसभा की फीटें कितनी थी। तो इसी प्रकार लोकसभा में भी था, लोकसभा की
फीटों की संख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना है लोकसभा में जो फीटों की संख्या थी वो कितनी थी, तो आपको याद रखना है लोकसभा में फीटों की संख्या 29 थी। कितनी थी लोकसभा में जो है फीटों की संख्या जो है कितनी थी मध्य प्रदेश में पहली बार, 29 थी। 29 में से जो 17 थे, 29 में से जो 17 फीट थी वो क्या थी, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर आधारित थी। मतलब कि इन 17 फीटों से 17 सदस्यों को ही क्या होगा, चुना जाएगा। अब टोटल फीटें कितनी थी, 29 कितनी थी, सॉरी 29 सदस्य थी, क्या था, 29 सदस्य थी। और फीटें कितनी थी तो आपको याद रखना है 17 और 6 कितना हो जाएगा, 17 और 6 हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 और 6 हो जाएगा 23। तो 23 फीटें थी लोकसभा की, और इनमें से चुना जाना कितना था, 29 लोगों को। तो ये जो थी डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर आधारित थी 6 फीटें, मतलब कि 6 फीटों से कितने लोगों सदस्य को जो है चुना जाएगा, तो ये 12 सदस्य को। तो 12 और 17 कितना हो गया, तो 12 और 17 हो गया 7, 2, 9 और 2, 29 सदस्य हो गए। तो मध्य प्रदेश की लोकसभा की फीटें जो पहली बार थी वो कितने सदस्य थी, तो 29 सदस्य थी। टोटल कितने फीटें थी, तो 23 फीटें थी, 17 और 6 23। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में जो है लोकसभा की फीटों की संख्या पहली बार जो है वो 29 सदस्य थी, ये फीट नहीं है ना, 29 सदस्य थी, जिनमें से 17 जो है सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर आधारित थी और 6 जो था डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर आधारित थी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि पार्ट ए की राजधानी क्या बनाई गई थी। तो पार्ट ए मतलब मध्य प्रदेश की जो पहली राजधानी बनाई गई थी वो किसको बनाई गई थी, नागपुर को। नागपुर को बनाई गई थी, किसको बनाई गई थी, नागपुर को। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की पहली राजधानी नागपुर, पार्ट ए की राजधानी भी नागपुर। अगला आपसे याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो है पहली बार जिलों का मतलब कितने जिलों का निर्माण किया गया था। तो पार्ट ए के अंतर्गत टोटल जो जिलों की संख्या थी वो 22 जिले थे। कितने जिले थे, 22 जिले थे, ये आपको याद रखना है। कितने जिले थे, 22 जिले थे। और पार्ट ए में जो है कितने संभाग थे, तो आपको याद रखना 5 संभाग थे। कितने संभाग थे, 5 संभाग थे, ये भी आपको याद रखना है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो पार्ट ए था इसमें राज्यसभा की फीटों की संख्या कितनी थी, तो इसमें राज्यसभा की फीटों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 12 थी। कितनी थी दोस्तों, 12 सदस्य थी, ठीक है ना। अब एक फीट से एक लोगों को चुना जाता था, एक लोगों को सिलेक्ट किया गया, ठीक है ना। तो फिर रिवाइज करा देता हूं, पार्ट ए जिसको मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश को पहले पार्ट ए के नाम से जाना जाता था, और ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का ही है, मतलब इसके अंतर्गत पार्ट ए के अंतर्गत ही रखा गया था। आपको याद रखना है कि पार्ट ए की जो राजधानी थी वो नागपुर थी, इसके अंतर्गत जो जिलों की संख्या थी वो 22 थी, 5 संभाग थे और 12 राज्यसभा की फीटें थी। अगला आपको याद रखना है कि पार्ट ए का निर्माण, या कह सकते हैं मध्य प्रदेश का निर्माण जो है 15 देशी रियासतों को मिलाकर किया गया था। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का जो है नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया था। और इसके जो पहले राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के ई राघवेंद्र थे, और फर्स्ट जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। अगला आपको याद रखना है कि पार्ट ए या कह सकते हैं मध्य प्रदेश में पहली बार जो है विधानमंडल कितने सदस्य था, तो 232 सदस्य था और फीटें कितनी थी, 184। इसी प्रकार लोकसभा जो था 29 सदस्य था और फीटें थी 23, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें जल्दी से नोट ऑन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले की ओर। इतनी चीज़ें जल्दी से जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अब ये था पार्ट ए, ठीक है ना। पार्ट ए से इतनी सारी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है, ठीक है ना। पार्ट ए से जो है इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी तो सबसे पहले जो है यहाँ पास जो है मैं मध्य प्रदेश का मैप बना देता हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये वाला अपना कौन सा एरिया था, तो ये वाला जो एरिया था ये कौन सा एरिया था, फीपी एंड बरार कह सकते हैं मध्य प्रदेश का, एमपी लिख देता हूं, ठीक है ना, मध्य प्रदेश। और इसको पार्ट ए, इसके बारे में हमने जो है पढ़ लिया, ठीक है ना। अब अगला जो आता है हमारा, ये वाला जो हमारा रीजन था वो किसका था, ये भोपाल वाला था, भोपाल। ये था विंध्य प्रदेश, ठीक ना, जिसकी राजधानी रीवा थी। और ये वाला जो हमारा एरिया था वो किसका था,
ये वाला जो पूरा एरिया था वो किसका था, तो ये था पार्ट बी का, पार्ट बी का, पार्ट बी यहां पास था इंदौर, इंदौर रियासत, और यहां पास था ग्वालियर रियासत, ग्वालियर रियासत। क्या हुआ कि यहां पास जो है आपको हेडिंग में डालना है पार्ट बी। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि पार्ट बी को किस किस नाम से जाना जाता है। इसको जो है मध्य भारत, मध्य भारत कहा जाता है, कहा जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको मालवा संघ के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो पार्ट बी को जो है तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है, पार्ट जो है बी को तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है। एक कौन सा है, मध्य भारत कहा जाता है, सेंट्रल इंडिया भी कहा जाता है, और इसे मालवा फंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है, अगला आपको याद रखना है कि पार्ट बी का जो है गठन कब किया गया था। तो पार्ट बी का सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत जो है 25 रियासतों को मिलाकर जो है मध्य भारत का गठन किया गया था, जिनमें से जो तो दो प्रमुख रियासत थी वो कौन कौन सी थी। एक थी इंदौर रियासत, जहां किसका राज था, ये होलकर जो है राजवंश यहां निवास करते थे। और यहां पास थे सिंधिया, सिंधिया, सिंधिया राजवंश जो है काफी बड़े थे होलकरों की अपेक्षा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि ग्वालियर रियासत प्रमुख तौर पर, ठीक ना, रियासत, और इंदौर रियासत को मिलाकर मध्य भारत का गठन कब किया गया, तो आपको याद रखना है 25 मई 1948 को किया गया, इसी बीच क्या। तो आपको याद रखना है कि ग्वालियर रियासत और इंदौर रियासत को मिलाकर जो है मध्य भारत का गठन किया गया कब, 25 मई 1948 को। मध्य भारत की राजधानी क्या बनाई गई, तो यहाँ जो है ग्वालियर राजवंश काफी बड़े मानते थे अपने आप को इंदौर राजवंश की अपेक्षा, जो होलकरों की अपेक्षा जो है। तो यहाँ पास जो राजधानी बनाई गई वो 6.5 माह के लिए, हालांकि काफी सारी बुक में आपको 6 माह लिखा मिलेगा, लेकिन इसका एक्चुअल जो डाटा है वो कितना है, 6.5 माह के लिए जो है मध्य भारत की जो राजधानी बनाई गई वो किसको बनाया गया, ग्वालियर को। और बाकी जो बचे 5.5 माह के लिए जो राजधानी बनाई गई वो किसको बनाई गई, इंदौर को, मध्य भारत की। तो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश, मध्य भारत की राजधानी क्या थी, तो दो राजधानियां थी, ग्वालियर और इंदौर। जबकि पार्ट ए कह सकते हैं कि राजधानी क्या थी, तो नागपुर थी, मध्य प्रदेश की राजधानी पहली बार थी, ठीक है ना। अब यहाँ पास जो है काफी बार क्वेश्चन में इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो नागपुर थी, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि 6.5 माह के लिए जो मध्य भारत पार्ट बी की जो राजधानी हुआ करती थी वो ग्वालियर, और 5.5 माह के लिए जो है इंदौर। काफी सारी बुक में जो है 6-6 माह कर दिया जाता है, ठीक है ना। और ये मध्य भारत की जो शीतकालीन राजधानी थी, मध्य भारत की शीतकालीन जो राजधानी थी वो क्या थी, ये थी ग्वालियर। और मध्य भारत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी थी ये क्या थी, इंदौर थी, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है अच्छे से। अगला आपको याद रखना है कि मध्य भारत, अब यहां पास क्या था, ये जो क्षेत्र थे ब्रिटिश के नियंत्रण में नहीं थे, तो ब्रिटिश ने यहाँ के जो है राजाओं ने कहा कि भाई साहब यहाँ का जो क्षेत्र पर नियंत्रण जो होगा हमारा होगा, यहाँ हमारा शासन चलेगा। तो यहाँ जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे, बाद में मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन पहले जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, पहले यहाँ राज्य प्रमुख बनाया गया था। और राज्य प्रमुख जो है इन्हीं दो रियासतों से बनाए गए थे, किन्हीं, ग्वालियर रियासत और इंदौर रियासत से बनाया गया था। तो इसके पहले राज्य प्रमुख जो थे, फर्स्ट राज्य प्रमुख, राज्य प्रमुख और फर्स्ट उप राज्य प्रमुख, उप राज्य प्रमुख। अब जो है ग्वालियर वाले जो है रियासत के लोग अपने आप को बड़ा कहते थे, अब बड़ा कहने के कारण जो है इनके रियासत के लोगों को जो है क्या बना दिया गया, राज्य प्रमुख। तो इस मध्य भारत के पहले जो राज्य प्रमुख बने थे वो जीवाजी राव,
जीबाजीराव सिंधिया को बनाया गया था। किसको बनाया गया? सिंधिया जो बने ये फर्स्ट राज प्रमुख थे मध्य भारत के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा जा सकता है, ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना। और पहले उप प्रमुख जो थे वो थे इंदौर, इंदौर के होलकर वंश जो थे यशवंत राव होलकर, यशवंत राव होलकर, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि पार्ट बी या कह सकते हैं मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया के पहले राज्य प्रमुख कौन थे, तो ये आपको याद रखना है, सेंट्रल इंडिया के जो पहले राज्य प्रमुख थे वो जीबाजी राव सिंधिया थे, जो कि ग्वालियर रियासत से थे, और पहले उप राज्य प्रमुख जो थे वो यशवंत राव होलकर थे, जो कि इंदौर रियासत से थे। ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला आप को याद रखना है कि ये जो पार्ट बी था मध्य भारत में, क्या विधानमंडल का भी गठन किया गया था? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ मध्य भारत में जो है विधानमंडल का भी गठन किया गया था, और यहाँ का जो विधानमंडल था वो कितने सदस्य था? तो 99 सदस्य था। कितने सदस्य था? 99 सदस्य था। 59 जो सीटें थी, कह सकते हैं यहाँ पर जो सीटों की संख्या थी वो कितनी थी? तो 69 सीटों की संख्या जो थी 79, और सदस्य कितने चुने जाने थे? 99। तो 59 जो सीटें थी वो क्या थी? सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी पर आधारित थी, मतलब 59 सीटों में जो है 59 लोगों को ही जो है शामिल किया जाएगा, जबकि जो 20 सीटें थी 20 सीटों में जो है ये क्या था? डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मतलब द्विसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र था 20 सीटें। अब 20 सीटों से कितने लोगों को चुना जाना था? 40, मतलब एक सीट में दो सदस्यों को जो है लिया गया। तो ये जो था 59 और 40 कितना हो गया? तो 59 और 40 हो गया 99, ठीक है ना। इस तरह से जो है यहाँ का विधानमंडल का गठन किया गया, और इस तरह से जो है 99 सदस्य जो थी यहाँ पार्ट बी मतलब मध्य भारत की जो थी विधानमंडल थी, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। बात करें कि यहाँ लोकसभा की सीटें कितनी थी, तो लोकसभा की जो सीटें थी मध्य भारत में, लोकसभा की जो सीटें थी वो कितनी थी? 11 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 11, जिनमें से 7 जो थी वो एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से थी, मतलब यहाँ से एक सदस्य को ही लिया जाएगा, और बाकी जो 2 थी वो क्या थी? तो 2 थी दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से, मतलब कि यहाँ से 4 सदस्यों को लिया जाएगा, एक सीट पर 2 लोकसभा सदस्यों को लिया जाएगा। टोटल कितने हो गए? तो 11 सदस्य थे जो थे, 11 सदस्यीय यहाँ की लोकसभा जो है सीट थी, तो 7 और 4 कितना हो गया? 11, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या हुआ कि यहाँ पास जो हुआ कि मध्य प्रदेश में जो है ये तो था मध्य भारत। अब अगला आपको याद रखना है कि फिर जो है 1948 के बाद जो है यहाँ सीएम भी बनाए गए। आपको याद रखना है, यहाँ पास मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। मध्य भारत का जो है पहला सीएम किसको बनाया गया था? तो मध्य भारत का पहला सीएम या मुख्यमंत्री ये लीलाधर जोशी बने थे। कौन बने थे? लीलाधर जो जोशी थे ये मध्य भारत है। देखो, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, ई राघवेंद्र जो थे वो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, ठीक है ना। जबकि मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाए तो ये लीलाधर जोशी थे। कौन थे? लीलाधर जोशी जो थे 1948 में जो है ये मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में काफी जो है मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तो अगला आपको याद रखना है कि 1949 में जो है मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया से इन्होंने जो है लीलाधर जोशी ने जो है इस्तीफा दे दिया, और फिर 1949 में इनकी इस्तीफा के बाद जो है मध्य भारत के जो दूसरे मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? मध्य भारत के या कह सकते हैं सेंट्रल इंडिया के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे बनाया गया था? तो गोपाल कृष्ण विजय वर्गी को बनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि मध्य भारत के या सेंट्रल इंडिया के या मालवा फंक के पहले मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी, और सेंट्रल इंडिया के पहले मतलब दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये मध्य भारत के दूसरे मुख्यमंत्री थे गोपाल कृष्ण विजय वर्गी। इन्होंने भी जो है 1950 में जो है इस्तीफा दे दिया, और इनके बाद जो है सेंट्रल इंडिया के तीसरे मुख्यमंत्री कौन बने? तो सेंट्रल इंडिया के तीसरे मुख्यमंत्री ये कौन बने थे? तखतमल
मल जैन, तखत मल जैन, ये जो थे सेंट्रल इंडिया या कह सकते हैं मध्य भारत के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। काफी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थे। कौन थे? लीलाधर जो है जोशी थे। और मध्य भारत के जो है दूसरे मुख्यमंत्री ये गोपाल कृष्ण विजयवर्गीय, और मध्य भारत के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे तखत मल जैन। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, 1952 में पूरे भारत में जो है आम चुनाव हुआ पहली बार। 1952 में जो है पहली बार जो है पूरे भारत में, पूरे भारत में जो है आम चुनाव हुआ। क्या हुआ? आम चुनाव हुआ। आम चुनाव में से जो है आपको याद रखना है कि जो 70 सीटें प्राप्त हुई वो कांग्रेस को प्राप्त हुई, बाकी जो सीटें प्राप्त हुई थी हिंदू महासभा को प्राप्त हुई। तो जो सरकार बन गई वो किसकी बन गई? कांग्रेस की बन गई। तो आपको याद रखना है कि मध्य भारत के फिर जो है, मध्य भारत के फिर जो है, मध्य भारत के, यहाँ पर दिख जाएगा ना आप लोगों, फिर मध्य भारत के 1952 में जो है सीएम कौन बने? तो ये मिश्री लाल गंगवार बने थे। कौन बने थे? मिश्री लाल गंगवाल बने थे। और आपको मिश्री लाल गंगवाल से पूछ याद रखना है कि ये मध्य भारत की, ये कह सकते हैं सेंट्रल इंडिया के, मध्य भारत के जो है पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे सीएम। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य भारत व सेंट्रल इंडिया के पहले निर्वाचित जो है मुख्यमंत्री कौन थे, व पार्ट बी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे निर्वाचित? तो ये थे मिश्री लाल गंगवार। कौन थे? मिश्री लाल गंगवाल। फिर जो है 1952 के बाद जो है 1954 के लगभग जो है तखत मल जैन जो है ये जो है मध्य प्रदेश के गठन तक जो है मध्य भारत के सीएम रहे। कौन रहे? सीएम। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मध्य भारत के गठन के समय, मध्य भारत के वो सेंट्रल इंडिया के गठन के समय जो है मध्य भारत वो पार्ट बी के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये तखत मल जैन थे। जबकि मध्य भारत के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये मिश्री लाल गंगवार थे, ठीक ना। और यदि पूछा जाए कि मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये लीलाधर जोशी। मध्य भारत के दूसरे मुख्यमंत्री गोपाल कृष्ण विजयवर्गीय। मध्य भारत के तीसरे मुख्यमंत्री ये तखत मल जैन। और मध्य भारत के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री मिश्री लाल गंगवाल। और मध्य भारत के आपको याद रखना है कि जो है गठन के समय जो है ये मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये थे कौन? तखत मल जैन। ये भी आपको याद रखना है, इतनी सारी चीजें। अगला आपको क्या याद रखना है कि यहाँ जो राज्यसभा की सीटों की संख्या थी वो कितनी थी? 6। पार्ट बी में जो राज्यसभा की सीटों की संख्या थी वो कितनी थी? 6, मतलब 6 सदस्यीय राज्यसभा की सीटें थी। और जो पार्ट बी में जिलों की संख्या थी, मतलब कि मध्य भारत में जो है जिलों की संख्या कितनी थी, तो आपको याद रखना 16 जिले थे। कितने जिले थे? 16 जिले थे। कहाँ? मध्य भारत में। ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी सारी चीजें जो है आपको मध्य भारत से याद रखना है। तो आज की क्लास में जो है हमने पढ़ा 1947 से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति, फिर 1947 से 1956 की स्थिति अभी हम पढ़ रहे हैं। 1947 से 1956 के बीच जो है हमने पार्ट ए पढ़ा, पार्ट बी पढ़ा, अभी पार्ट सी भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।